वो एन सी आर टी साइंस की सीरीज़ है जो कि सभी उन स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है जो कि स्कूल स्टूडेंट हैं फ्रॉम क्लास सिक्स टू ट्वेल्थ और उनके लिए भी जो कि किसी कम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं बट उन्हें एन सी आर टी पढ़ने की ज़रूरत है तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हमारी यह साइंस एन सी आर टी सीरीज़ बेनिफिशियल है सेकेंड जो साइंस ओलंपियाड सीरीज़ चल रही है एस ओ एफ फाउंडेशन जो है हमारी ओलंपियाड फाउंडेशन उसके थ्रू जो आ, आ, नेशनल साइंस ओलम्पियाड कंडक्ट किया जाता है तो उसकी प्रिपरेशन के लिए फिलहाल भी क्लास सिक्स टू एट की वो सीरीज़ स्टार्ट की गई है आप उन दोनों सीरीज से जुड़िए और बेनिफिट uh, लीजिए उनका सो so, तो आज से हमारी ये एन सी आर टी जोग्राफी की नई सीरीज स्टार्ट होने जा रही है टोटली totally बेस्ड है आपकी न्यू एन सी आर टी बुक पे ओके हमारी जैसे आप बहुत लोग पढ़ते हैं न्यू एन सी आर टी ओल्ड एन सी आर टी तो ये हमारी जो सीरीज़ चलेगी वो टोटली बेस्ड ऑन न्यू एन सी आर टी ओकेट फे स्टार्ट जैसा कि मैंने बताया आज से न्यू एनसीईआरटी साइंस की सीरीज स्टार्ट होने जा रही है डिटेल्स में हम इसको एनसीईआरटी को आपके एक्सप्लोर करेंगे उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे उसके हर चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे ठीक है क्लास सिक्स टू ट्वेल्व हम एक एक करके एक एक क्लास को करके स्टार्ट करेंगे अच्छा दो तरीके हैं एन पढ़ने के एक तो कि हम एक क्लास को उठाएं और उसे पूरा खत्म करें देन नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करें और एक है कि हम दो या तीन क्लास को एक साथ लेके उनको उनके वन बाई वन चैप्टर हमने देन नेक्स्ट क्लासेस को स्टार्ट करें तो आई थिंक साइंस सीरीज भी हमारी ऐसे से चल रही है सिक्स सेवन एट तीन क्लासेस को लेकर हमने स्टार्ट किया है जल्दी नाइन्थ टेंथ भी लॉन्च करेंगे हम उसमें तो सेम उसी पैटर्न पे हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी सीरीज को भी स्टार्ट करने जा रहे हैं हम स्टार्टिंग में सिक्स सेवन एथ तीन क्लास को लेकर चलेंगे फिर आगे उसको और एक्सपेंड करेंगे ठीक है तो एनसीईआरटी की ज्योग्राफी सीरीज को शुरू करने से पहले आज का जो सेशन है वो इस पर डिवोटेड है कि ज्योग्राफी अगर हम ज्योग्राफी पढ़ने जा रहे हैं तो ज्योग्राफी क्या है हम ज्योग्राफी क्यों पढ़े ज्योग्राफी का क्या यूज है मतलब डिफरेंट टाइप की चीजें ज्योग्राफी के बारे में अगर आप कोई सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं तो उस, वो है क्या उस सब जब को हम क्यों पढ़ें ये छोटे छोटे क्वेश्चन एक होते हैं जो आते हैं तो हम आज एक डिटेल तो नहीं कह सकते हाँ मत तो एक छोटा मोटा नॉलेज हम उसके बारे में जानेंगे कि ज्योग्राफी क्या है उसको क्यों पढ़ें उसका यूज़ क्या है कैसे है इन सब चीज़ों को लेके हम एक स्टार्ट करने आज का सेशन रखते हैं नेक्स्ट सेशन से आप जो हमारा नेक्स्ट एपिसोड आएगा उससे हम टोटली एन बेस्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे ठीक है आज का जो हमारा एजेंडा है टूडेज एजेंडा वट इज वो है कि इंट्रोडक्शन टू ज्योग्राफी अ वेरी फर्स्ट पॉइंट इज इंट्रोडक्शन ऑफ जोग्रफी जोग्रफी है क्या मतलब अगर हम जोग्रफी पढ़ने जा रहे हैं तो जोग्रफी है क्या सेकेंड है इसके नीड क्या है अगर हम पढ़ रहे हैं जोग्रफी तो हमें इसकी नीड क्या है पढ़ने की ब्रांचेस ऑफ जोग्रफी इसकी कौन कौन सी मेन ब्रांचेस हैं हिस्ट्री ऑफ जोग्राफी हिस्ट्री ऑफ जॉग हिस्ट्री ऑफ जोग्रफी ज्योग्राफी की हिस्ट्री क्या है यह कहां से स्टार्ट हुई कैसे शुरू हुई ज्योग्राफी वर्ड कहां से आया कई चीजें ठीक है सो लेट्स लेट्स गेट स्टार्टेड फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि मैंने बताया था होता है व्हाट इज बतायाफी जियोग्रफी क्या है तो यहाँ आप देख सकते होंगे कुछ डेफिनेशन दी हुई हैं मैं वन बाय वन पढ़ती जाती हूँ और उसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बताती जाती हूँ ज्योग्राफी इज अ फील्ड ऑफ साइंस डिवोटेड टू द स्टडी ऑफ लैंड फीचर इनहेबिटेंट्स एंड पिनोमिना ऑफ अर्थ जियोग्रफी क्या है अ फील्ड ऑफ साइंस एक साइंस की फील्ड है साइंस क्या होता है होप आप लोगों को पता होगा नहीं तो हमारी एनसीआर साइंस सीरीज चल रही है उसका भी स्टार्ट करने से पहले हमने एक मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाया था आप जाके हमारे चैनल पे उसे देख सकते हैं नहीं तो मैं पिन मैं आपको आ, आई बटन में दे दूंगी आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा ओके तो साइंस क्या है आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा छोटा छोटा मैं बता देती हूँ साइंस एक ऐसी फील्ड है जो कि टोटल एक्सपेरिमेंट और प्रूफ से बिलीव करती है कुछ भी कहने से वो उसे मान नहीं सकती अगर कोई साइंटिस्ट हैं तो वो आगे की जनरेशन को अपने कुछ बताना चाहते हैं तो उन्हें उसका प्रूफ देना होगा कि मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया या मैंने ये चीज़ की तो मुझे उसका ये रिजल्ट मिला उसके प्रूफ देने होंगे अपनी बात को प्रूफ करने के लिए जो वो आगे की नॉलेज को आगे की जनरेशन को जो नॉलेज देना चाहते हैं उसको प्रूफ करने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ देना पड़ेगा तो साइंस क्या हुआ साइंस एक ऐसी ब्रांच है जो कि हमेशा एक आ, प्रूफ पे बिलीव करती है बिना प्रूफ के वो कुछ भी चीज़ें मानती नहीं है या आगे उस नॉलेज को एक्सपेंड नहीं करती है तो ज्योग्राफी क्या है ज्योग्राफी भी एक साइंस है ज्योग्राफी भी हमेशा प्रूफ पे बिलीव करती है ठीक है तो ज्योग्राफी इज द फील्ड ऑफ साइंस डिवोटेड टू द स्टडी ऑफ लैंड लैंड की स्टडी पे फुल्ली डिवोटेड होती है जो मैं हमारे उनके करती 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 है, उनके features की study करती है, inhabitants की study करती है, की की पे जो डिफरेंट फिन होते हैं डे नाइट हो गया वेदर चेंज हो गया कोई कुछ भी जो भी हमारे आस पास हमारे अर्थ पे जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फिनमिनाज होते हैं उनकी स्टडी करती है क्यों है? ज्योग्राफी एक ऐसी साइंस है जो कि लैंड की स्टडी करती है अर्थ पे होने वाले डिफरेंट फिन की स्टडी करती है डिफरेंट अर्थ के फीचर्स की स्टडी करती है के डिफरेंट फीचर्स की स्टडी करती है की स्टडी करती है ओके तो जियोग्राफी एक वो ब्रांच है साइंस की सेकंड डेफिनेशन क्या है जियोग्राफी इज द स्टडी ऑफ प्लेसेस एंड द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड देयर एनवायरनमेंट पीपल और एनवायरनमेंट के बीच में जो रिलेशनशिप है उसकी स्टडी करती है डिफरेंट प्लेसेस की स्टडी करती है पीपल्स uh, जो कुछ भी करते हैं उसका एनवायरनमेंट पे क्या असर होता है एनवायरनमेंट में जो चेंज होते हैं उसका पीपल्स पे क्या असर होता है और एनवायरनमेंट के बीच जो एक रिलेशनशिप है, कि दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं दोनों एक दूसरे से इफेक्ट होते हैं जियोग्राफी है, यही बताया गया है हमें सेकंड डेफिनेशन में अब हम आते हैं अपनी थर्ड डेफिनेशन थर्ड डेफिनेशन क्या है जियोग्राफी इज द साइंस दैट स्टडी अर्थ एंड द फिजिकल एंड ह्यूमन इन्फ्लुएंस जियोग्राफी एक ऐसी साइंस है जो कि अर्थ उसके फिजिकल एंड ह्यूमन इन्फ्लुएंस फिजिकल और ह्यूमन इन्फ्लुएंस होता है शेप दे करता है उसका शेप चेंज करता है सर्कल है उसको राउंड कर देगा राउंड है उसको ओवल कर देगा ऐसा कुछ नहीं मतलब उसके उसमें डिफरेंट चेंजेस लाता है उसके क्लाइमेट पे उसके लैंड पे उसकी चीजों पे मतलब इफेक्ट करता है उसकी स्टडी करते हैं फिजिकल एंड ह्यूमन इंफ्लुएंस On art, okay? so, ये तीन आपको क्या क्या समझ में आया तीन पॉइंट में हम देखते हैं छोटे so, छोटे तीन पॉइंट है उन तीन पॉइंट के थ्रो तो आप ये समझ पाएंगे की जियोग्रफी क्या है पहला पॉइंट क्या है जियोग्रफी इज द साइंस ऑफ स्टडिंग द अर्थ जियोग्राफी क्या है अर्थ को स्टडी करने की एक साइंस है ओके तीनों डेफिनेशन में अच्छी बताई गई है कि ज्योग्राफी साइंस है ज्योग्राफी साइंस है ज्योग्राफी साइंस की एक ब्रांच है जो कि क्या करती है अर्थ की स्टडी करती है तो हमारे पहला पॉइंट क्या हुआ ज्योग्राफी इज द साइंस ऑफ स्टडिंग द अर्थ सेकेंड पॉइंट पे आते हैं सेकेंड पॉइंट क्या हुआ रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड एनवायरनमेंट जैसा कि हमने बताया पीपल्स क्या करते हैं उसका इफेक्ट एनवायरनमेंट पे एनवायरनमेंट में क्या चेंज हो रहा है उसका इफेक्ट पीपल्स पे ये एक रिलेशनशिप होता है तो उस रिलेशनशिप की स्टडी की जाती है इसमें ज्योग्राफी में ओके ये हमारी सेकेंड और थर्ड डेफिनेशन में बताया गया है तो रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड एनवायरमेंट इज कॉल्ड जियोग्रफी ठीक है पहला पॉइंट क्या हुआ जियोग्राफी इज द साइंस ऑफ स्टडिंग द अर्थ अर्थ को स्टडी करने की जो साइंस होती है वो ज्योग्राफी होती है हमारा सेकेंड पॉइंट क्या हुआ रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड एनवायरमेंट स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड एनवायरनमेंट यानी पीपल और एनवायरनमेंट की भी जो रिलेशनशिप है उसकी स्टडी को ज्योग्राफी कहते हैं और हमारा थर्ड पॉइंट है स्टडी ऑफ अर्थ एंड ह्यूमन इन्फ्लुएंस इट अर्थ की स्टडी और ह्यूमन का जो उस पे अर्थ पे इन्फ्लुएंस होता है

कमेंट सेक्शन में उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो भी एपिसोड आएगा मैं उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ तो उस क्वेश्चन का आंसर शुरू के कुछ मिनट्स लेके आपको दूंगी ठीक है तो हम आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए मुझे कमेंट सेक्शन में ओके चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप देंगे जिसका आंसर मैं नेक्स्ट एपिसोड में शुरू के कुछ मिनट्स में एक्सप्लेन करके आपको दूंगी और, ओके So, अब हमारे बचते हैं दो क्वेश्चन पहला क्या है पहला क्वेश्चन सुन लीजिए पहले आपको जिसका आंसर करना है हाउ टू स्टडी ज्योग्राफी इन अस्टमैटिक वे जियोग्राफी को एक सिस्टमैटिक वे में कैसे पढ़ा जा सकता है कैसे हम क्या क्या करके सिस्टमैटिक वे में पढ़ने का तरीका क्या है ज्योग्राफी हमारे लिए नहीं हमारे आंसिस्टर जो भी जियोग्राफी जब से बनी है उसको पढ़ने का तरीका हमारे लिए इसको पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए ठीक है अब सेकंड क्वेश्चन से हम बात करना स्टार्ट है, करते हैं व्हाट इज द नीड ऑफ स्टडी ज्योग्राफी हमें ज्योग्राफी को पढ़ने की नीड क्या है क्यों पढ़े तो थोड़ा सा हम हिस्ट्री में जाते हैं जो एक ह्यूमन नेचर होता है हमें जहाँ रहते हैं हमें हमें हम हमारे, हमारे आसपास के इन्वायरमेंट को हमारे आसपास की चीज़ों को जानने का शौक होता है जाने की क्यूरियसिटी होती है तो सेम वही चीज़ थी ये अभी मैं आपको आप आगे हिस्ट्री पढ़ोगे ही लेकिन एक क्यूरियसिटी थी हमारे अंदर कि जो भी कुछ हो रहा है ये कैसे कभी उजाला हो जा रहा है यानी दिन हो जा रहा है कभी अंधेरा हो जा रहा है रात हो जा रही है तो ये डे नाइट क्यों हो रहे हैं कैसे हो रहे हैं ये वेदर चेंज कभी ठंड हो जा रही है कभी गर्मी हो जा रही है किसी प्लेस पे ठंड हो रही है किसी प्लेस पे गर्मी हो रही है डिफरेंट डिफरेंट हमारे लैंड फॉर्म्स हैं कहीं पे पहाड़ हैं कहीं पे एकदम समतल जमीन है कहीं पे कुछ घास वाले मैदान है ग्रीनरी प्लेसेस कहीं पे सी है तो ये क्यों ऐसे डिफरेंट हैं सब क्या है तो इस तरह से धीरे धीरे ह्यूमंस को क्योसिटी हुई जिससे जोग्रफी की पढ़ाई स्टार्ट हुई जोग्राफी स्टार्ट हुई तो और हमें भी यही नीड है ज्योग्राफी पढ़ने की अपने एनवायरनमेंट को जानने की अपने अर्थ को जानने की अपने आसपास के प्लेसेस को जानने के बारे में अपने वेदर चेंजेस को जानने के बारे में अपने क्लाइमेट को जानने के लिए ठीक है जिन सब का हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ता है उन चीज़ों के बारे में जानने के लिए तो यही छोटी छोटी कुछ नीड्स हैं जिनके लिए हमें ज्योग्राफी पढ़नी चाहिए पढ़ने की ज़रूरत होती है और हमारे करिकुलम में ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट होता है ओके सो देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ नॉलेज ऑफ ज्योग्राफी इन डेली लाइफ डेली लाइफ में हमारा इसका क्या यूज़ है बिल्कुल यूज़ है अगर अभी आपको कहीं जाना हो अगर आपको ज्योग्राफी का थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आप उसके बारे में समझ उस जगह के बारे में समझ सकते हैं वहाँ के क्लाइमेट के बारे में समझ सकते स्टडी कर सकते हैं चीज़ों को जान सकते हैं कैसे चेंजेस होंगे आपको वहाँ पे ख़ुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ख़ुद को वहाँ पर वहाँ पे, पे सही से रहने के लिए वहाँ पे जाने के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत होगी कैसे अगर वहाँ पे कोई ऐसे डिज़ास्टर्स हैं या कुछ भी आप कैसे खुद को प्रोटेक्ट करोगे डिफरेंट जो हमारे डिज़ास्टर्स होते हैं उनसे ख़ुद को प्रोटेक्ट करने के लिए उनसे बचने के लिए उन्हें ख़त्म करने के लिए आ गया फिर अगर हम उन्हें ख़त्म ना कर सकें तो उन्हें बचने उनसे बचने के लिए डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हम कैसे कर सकते हैं क्या चीज़ें कर सकते हैं जैसे एक हमारा बहुत अर्थक्वेक से बचने के लिए देखिए आजकल बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं अगर हमने उसे स्टडी किया है तभी हम जानते हैं कि वो कैसे हो सकता है उससे बचने के लिए क्या क्या, क्या उपाय किए जा सकते हैं ठीक है तो इन सब चीजों का हमारी डेली लाइफ में जियोग्राफी का इन सब चीजों में बहुत बड़ा रोल होता है ठीक है तो हम जियोग्राफी क्यों करते हैं समझ में आ गया हमें उसकी नीड क्या है उसकी हमारी डेली लाइफ में यूज क्या है एंड फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो आप दे रहे हैं हमें मुझे अब सेकेंड जो आ, हमारा हुआ वो है ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी जैसे मैंने बताया था कि हम ज्योग्राफी के ब्रांचेस के बारे में भी पढ़ेंगे जैसे ही कोई भी सब्जेक्ट होता है कोई भी सब्जेक्ट बहुत वास्ट होता है उसको ऐसे ही पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है तो हम उसे कुछ पार्ट्स में कुछ ब्रांचेस में बांट देते हैं जिससे उसे पढ़ना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है तो सेम इसी तरह से हमने जोग्राफी को भी मेन और बहुत सी ब्रांचेस है उन्हें सब ब्रांचेस ब्रांच बोलेंगे बट जो हमारी मेन ब्रांचेस ब्रांचेस हैं जोग्राफी uh, की वो है फिज़िकल जोग्रफ़ी और ह्यूमन ज्योग्राफी तो छोटा छोटा देखते हैं फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, okay, तो फिजिकल ज्योग्रफी और ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं फिजिकल ज्योग्राफी इज of ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी on फोकस ऑन द स्टडी ऑफ नेचुरल processes ऑफ द अर्थ सरफेस क्या हो? फिजिकल ज्योग्राफी जो क्या है वो नेचुरल प्रोसेस है ठीक है जो कि हमारी अर्थ सरफेस सरफेस पे होती है ठीक है इसमें मेन फोकस हमारा किस पे होता है नेचुरल प्रोसेसिस पे नेचुरल प्रोसेस जो होती है जिसमें ह्यूमन का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है ठीक है और सरफेस पे होने वाली नेचुरल प्रोसेस को uh, की स्टडी को हम फिजिकल ज्योग्राफी के uh, अंदर रखते हैं ठीक है अब ह्यूमन ज्योग्राफी क्या हुआ दें ह्यूमन जोग्राफी इज द ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी दैट स्टडीज स्पेशल रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन कम्युनिटीज कल्चर्स इकोनॉमिक्स एंड देयर इंट्रेक्शन विद द इन्वायरमेंट हमारे जो ह्यूमंस होते हैं वही सेम जो मैंने डिफेस में बताया था ह्यूमन और एनवायरनमेंट का जो रिलेशनशिप होता है एक इंडन रिलेशनशिप जो होता है उसकी स्टडी करते हैं ह्यूमन के डिफरेंट कल्चर्स की उनकी कम्युनिटीज की उनके इकोनॉमिक्स जो होते हैं उनके उसका क्या इफेक्ट होता है हमारे क्लाइमेट पे हमारे इन्वायरमेंट पे उन इंट्रैक्शन का जो हम स्टडी करते हैं उसको हम ह्यूमन जोग्राफी के अंदर स्टडी करते हैं ठीक है तो फिजिकल जोग्राफी ह्यूमन जोग्राफी का क्लियर uh, हो गया फिजिकल जोग्राफी uh, क्या है टोटल नेचुरल नेचुरल फिनोमिनाज को हम स्टडी करते हैं ऑन द अर्थ सरफेस और ह्यूमन ज्योग्रफी क्या है ह्यूमन की कम्युनिटीज़ कल्चर उनके इकोनॉमिक्स उनके इंट्रैक्शन को विद इन्वायरमेंट हम स्टडी करते हैं ओके अब um, नेक्स्ट आता है हमारा हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफी ज्योग्राफी की हिस्ट्री के बारे में तो सबसे पहले वर्ड ज्योग्राफी आया कहाँ से वर्ड ज्योग्राफी वॉज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जियोग्राफिया एक्चुअली में ज्योग्राफी जो है वो एक ग्रीक वर्ड से आया हुआ है जिसका जिसे हम बोलते हैं जियोग्राफिया जियोग्राफिया जो है जियो और ग्राफिया दो वर्ड से मिलके बना है यानी हमारी अर्थ केस थी. के स्टति ज्योग्राफी को हिंदी में क्या कहते हैं भूगोल भूगोल यानी भू का अध्ययन करने की ब्रांच विषय को हम भूगोल कहते कहते हैं हैं यानी यानी जियो की हमारी की हमारी को ओके क्लियर okay, हो गया अब फर्स्ट बाई एरेतो इस्थेनस। एरेतो इस्थेनस एक जिन्होंने वर्ड जियोग्राफिया वो सबसे पहले यूज किया ठीक है हम आते हैं थोड़ी छोटी 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 हिस्ट्री के बारे में पर्टिकुलर जो हम बात करेंगे हमारी इंडियन ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ इसकी स्टडीज़ कैसे स्टार्ट हुई तो द वेद एंड पुरान कंटेंस डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ़ रिवर्स एंड माउंटेन एंड द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल एंड ह्यूमन एलिमेंट हमारे जो वेद पुरान्स हैं उनमें डिटेल में बहुत डिटेल में सारे उनके में बताया गया है हमारे इंडिया में पाए जाने वाली डिफरेंट इंडिया यानी भारतवर्ष में भारतवर्ष बहुत बड़ा था उस समय तो भारतवर्ष में पाई जाने वाली डिफरेंट रिवर्स के बारे में माउंटेन्स के बारे में आ, आ, एंड द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल एंड ह्यूमन एलिमेंट्स के बारे में यानी जो कुछ भी हम आज की जियोग्राफी में पढ़ते हैं वो हमारे ऑलरेडी हजारों साल पहले हमारे वेद और पुराण में हमारे लिए लिखे गए हैं ओके दर्ड पॉइंट इज अकॉर्डिंग टू द रिलीजियस स्कॉलर जियाना एक द मेन फीचर ऑफ़ जियोग्राफी इज इंडिया इन इंडिया इज इट्स इंटर रिलेशनशिप विद हिंदू माइथोलॉजी इन्होंने भी माना है कि में हमारा जो इंडियन ज्योग्राफी है वो टोटली डिपेंड ऑन हिंदू माइथोलॉजी हिंदू माइथोलॉजी में इतना सब कुछ बताया गया है हमारे ज्योग्राफी के बारे में हमारे स्कॉलर्स हमें इतना सब कुछ बता के गए जो आज साइंटिस्ट रिसर्च करके हमें बता रहे हैं वो हमारे एनसिस्टर्स ने हमारे स्कॉलर्स ने हमें कई हज़ारों साल पहले वेद पुराण में हमारे लिए, लिए लिख के गए हैं हमारे धर्म ग्रंथों में हमारे लिए ऑलरेडी लिख के गए हैं द जियोग्राफर्स ऑफ द एंसेंट इंडिया प्रेजेंट थ्योरीज रिगार्डिंग टू ऑरिजिन ऑफ अर्थ अब देखिए ओरिजिन ऑफ अर्थ की थ्योरी बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है जिसे हम पढ़ते हैं बट हमारे एनशियट uh, इंडिया में ये थोड़ी ऑलरेडी हमारे स्कॉलर्स हमें बता के गए हैं यानी कितना रिच हमारा जो ये कह सकते हैं ये धर्म ग्रंथ है हमारी जो संस्कृति है भारतवर्ष की वो कितनी रिच है वो हम इन in... सब पे जान सकते हैं तो हम लोगों को ज़्यादातर जितने भी साइंस की चीज़ें हैं साइंस के फिनिना है जियोग्राफी है इन सबकी ज़्यादातर जो दिया जाता है क्रेडिट वो हमारे जो विदेशी साइंटिस्ट और विदेशी जियोग्राफर्स ज़्यादातर उनको दिया गया है बट हम जो बुक्स में पढ़ते आ रहे हैं बट हमारे जो ये इस्कॉलर थे हमारे मुनि थे इन्होंने हमें हजारों साल पहले इन सब चीज़ों के बारे में जो कि बाद में रिसर्च हुई प्रूव हुआ उसके ऊपर थ्योरीज बनी रिसर्चर्स uh, हुई सब कुछ होके आया सामने वो हमारे जो ये ऋषि मुनि हमारे जो स्कॉलर्स थे वो हमें कई हज़ारों साल पहले हमारे धर्म ग्रंथों में हमारे वेद में हमारे पुराण्स में हमारे लिए, लिए के गए तो इतना रिच जो हमारा uh, संस्कृति है हम उससे आते हैं तो हमें इसलिए उन पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए साइंस पढ़िए साइंस में बिलीव करिए अंधविश्वास नहीं करिए लेकिन अपनी संस्कृति को अपने साथ लेके चलिए खैर आगे चलते हैं अ नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द पॉइंट इज थ्योरीज वेयर प्रोपोनड टू एक्सप्लेन अर्थक्वेक बहुत सारी थ्योरीज अर्थक्वेक के बारे में उस समय में हमारे हजारों साल कई हजारों साल पहले भी प्रोपोन की गई थी ठीक है इसमें क्या बताया गया था इट वाज बिलीव दैट लैंड एयर एंड वाटर वाज सर्कल्ड टुगेदर और जो आज की हमारी थ्योरी आई है उसमें भी अगर उसके डिटेल में जाएं तो क्या होता है इसी से कुछ मिलता जुलता दिया गया है ठीक है तो हमारे पास कितना वास्ट नॉलेज है हमारी संस्कृति कितनी वास्ट कितनी रिच है ये इन कुछ पॉइंट से ऐसा शो होता है ठीक है ओके नेक्स्ट ओके आज के लिए इतना ही अब नेक्स्ट जो भी एपिसोड आएगा उससे हम लोग स्टार्ट करेंगे आपके टोटली एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर्स एनसीआर बुक आपकी उठाएंगे और उसके एक एक करके चैप्टर्स उसके सोल्यूशन क्वेश्चन आंसर के सब वन बाई वन हम करेंगे तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमसे ज्वाइनर्स ज्वाइन गैम नमस्ते